आधे राधे दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या उनर इन ब्लेज में स्वागत है दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है तो आज का ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और ये पकौड़ियों की तरह क्या बन रहा है आप लोग गेस कीजिए और जो लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों आज से हमारे घर शादी की रस्म शुरू हो गई और आप लोग सोचेंगे कि किसकी शादी हो रही है मैं आप लोग को बता देती हूँ हमारे चाचा की लड़की की शादी होने वाली है तो इसलिए इतनी सारी तैयारियां हो रही है तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मैं रोज अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि हमारे गांव में कैसे शादी होती है और शादी की रस्म में क्या क्या होता है तो मैं वो सब आप लोग को अपने वीडियो में दिखाऊंगी अब से लेकर शादी तक क्या रस्म होती है वह सब मैं आपको दिखाऊंगी तो दोस्तों चलिए अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये क्या बन रहा है ये बरी बन रहा है हमारे गांव में इसे बरी कहा जाता है कुछ लोग पहले ही जान गए होंगे जो लोग गांव के रहते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते हैं तो इसलिए मैं उन्हें भी बता देती हूँ और ये सफेद कद्दू का बनता है जिसे हम लोग गाँव में छुआ कोड़ा भी बोलते हैं और इसी का जो है ये पेठा भी बनता है और इसी का जो है आज बरी भी बन रहा है ये शादी से पहले ही बनता है कुछ दिन लेकिन आज जो है ये बरी बन रहा है तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देती हूं कि इतनी जल्दी बड़ी क्यों बन रही है क्योंकि इस टाइम मौसम सही नहीं आप लोग को पता कि का है कि बारिश और इसका महीना है और बारिश और भी हो सकता है और ये वरी जो है जल्दी सूखता भी नहीं है तो इसे तेज़ धूप में सुखाया जाता है तो इसलिए लोग पहले ही इसे बना देते हैं अभी शादी मतलब होने में दस दिन बाकी है और दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या ऐड किया गया है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है जितना पता है उतना ही मैं आप लोग को बता रही हूँ ये मतलब सफ़ेद कद्दू का बनता है और इसी में मसाले भी कुछ ऐड किए जाते हैं और साथ में बेसन भी ऐड किए जाते हैं और फिर रात के समय इसे सब मिक्स करके रख दिया गया था और फिर सुबह के समय देखिए इसे बनाया जा रहा है और तेज धूप में ही इसे सुखाया जाता है और आप लोग सोचेंगे कि हम लोग छाँव में क्यों मतलब इसे फैलाए थे मैं आप लोग को बता देती हूँ इधर जो है धूप बहुत तेज़ी से लग रही थी तो इसलिए छाँव में बनाया गया और जब ये सारे फैल जाएँगे तो धूप में कर दिया जाएगा जिससे ये जल्दी से भी सूख जाएगा लेकिन ये जो है एक दिन में नहीं सूखता इसे दो तीन दिन तक सुखाया जाता है तो दोस्तों ये सब जब भी बनता है शादी विवाह पड़ता है तो सारे लोग इसे मिलकर ही बनवाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एक बगल की आंटी आई हुई है और मेरी दीदी आई हुई घर के भी लोग थे और यहाँ पे भाभी भी आई हैं तो इसे मतलब जब भी बनाया जाता है तो सारे लोग मिलकर बनवाते हैं जिससे ये काम भी जल्दी हो जाता है वैसे भी शादी विवाह का मतलब माहौल है तो सारे लोग मिलकर ही करवाएंगे ना और हम लोग पहले ही बना चुके थे थोड़ा बहुत और बचा था तो ये लोग मिलकर बनवाते हैं और उसके बाद हम लोग अपना हाथ और धुल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई हूँ हाथ धुलने के लिए और चाची की लड़की भी धुल लेती है पहले ही वो धुल चुकी है

फाइनली जो है बरी बन गया है बस इसे दो से तीन दिन लगेगा सुखाने में और उसके बाद में आप लोग को दिखाऊंगी कि इसका यूज कब होता है और कहाँ किया जाता है तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मैं आप लोग को ऐसे ही सारी रस्म दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ शादी कैसी होती है और कौन सी रस्म कैसे किया जाता है तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक जरूर और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें उसके बाद हम लोग घर आते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं ना फिर चाची बुलाती बोल रही थी कि कार्ड आ गया आ जाइए आप लोग बनवा दीजिए तो यहाँ पे देखिए दीदी पहले से आ चुकी है और मैं घर पे कुछ काम कर रही थी और अमृता जो है बाबू को देख रही थी तो इसलिए अमृता नहीं आई है और यहाँ पे दीदी और चाची लोग लगी हुई बनाने में और चाची की लड़की भी आ जाती है बनवाने के लिए और उसके बाद मैं भी बनाऊंगी लेकिन मैंने सोचा चलिए आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ कार्ड कैसे बनवा जाता है फिर मैं भी हेल्प करवाऊंगी कार्ड बनाने में तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं कार्ड छप आ गया है तो यहाँ पे सारे लोग बनाने में लगे हुए हैं और ये देखने में भले ही ऐसा लगता है कि जल्दी से बन जाएगा लेकिन ये जल्दी नहीं बन रहा था एक लोग इसे फोल्ड करने में लगे हुए हैं तो दूसरे लोग जो है भरने में लगे हुए हैं और सब कुछ देख कर ही मतलब किया जाता है और जल्दी भरा भी नहीं रहा क्योंकि ये दो किस्म का कार्ड है एक पर दूसरी डिजाइन है और दूसरे पे दूसरे डिजाइन है तो इसलिए सारे लोग कन्फ्यूज भर जा रहे हैं कि कौन सा किस्म भरे तो इसलिए संभाल कर ही भर रहे हैं सारे लोग और ध्यान से ही देख देख भर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं और हम जो है फोल्ड करने में लगे हुए हैं और उधर दीदी और चाची की लड़की जो बंधन वो लोग जो है भरने में लगी हुई कार्ड तो दोस्तों आइए आप लोगों को भी मैं इनवाइट कर रही हूँ आप लोग भी आइए साथ शादी इंजॉय कीजिए और ऐसे वीडियो में बने रहेगा और मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दिखाऊंगी आधे कार्ड बन चुके हैं और आधा से ज़्यादा अभी कार्ड बचे हुए हैं बनाने के लिए तो इसलिए सारे लोग जल्दी जल्दी बनवा रहे हैं और ये दो किस्म की डिजाइन बनी हुई है ना इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना पड़ रहा है वरना ये जल्दी से ये भी बन जाता है तो देखिए मैं और चाची की लड़की लग गए हैं बनाने के लिए और इधर चाची बना रही हैं और ये कार्ड आप लोग को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपनी छोटी बहन पे बनाया करिए और हमारे वीडियो को डेली देखा करिए क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी आप लोग के प्यार की वजह से तो हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं लेकिन अभी हमारे चैनल मोनिटाइज नहीं हुए तो दोस्तों आप लोग बस ऐसे ही हमारे वीडियो को डेली देखा करिए कि आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हमारे वो भी पूरा हो जाए जिससे हमारी कुछ हेल्प भी हो सकती है और मैं इंतजार करूंगी कि किन भाइयों और बहनों ने हमारे लिए इतना किया है क्या कि आप लोग अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा उसके बाद दोस्तों देखिए कार्ड बन रहा था तभी जो है चाची की लड़की यहाँ पे ठंडा और नमकीन लेकर आती है बोल रही थी कि पहले तुम लोग पी लो और उसके बाद कार्ड बनाना तो हम लोग बोले नहीं पहले बना लेते हैं उसके बाद ही हम लोग जो है खाए पियेंगे क्योंकि ये काम जो है बहुत ज्यादा ही शुभ होता है तो इसमें जूठा नहीं किया जाता है तो इसलिए जो हम लोग बनाने में लगे हुए और जब ये बन जाएगा तो उसके बाद ही कुछ खाए पियेंगे क्योंकि ये कार्ड जो है सबसे पहले भगवान जी के यहाँ चढ़ाया जाता है और फिर मामा के यहाँ दिया जाता है और मामा के बाद ही सारे लोग के यहाँ दिया जाता है तो इसलिए इसे झूठा उठा नहीं करना चाहिए सबसे पहले इस शुभ काम को कर लिया जाता है फिर जो है कुछ खाया पिया जाता है और दोस्तों आप लोग से एक सवाल पूछना है कि आप लोग के यहाँ सबसे पहले जो है मामा के यहाँ दिया जाता है उसके बाद ही सारे लोग के यहाँ दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ यही रस्म होता है तो मैं सोची जी पूछ लेती हूँ आप लोग के यहाँ भी यही होता है या नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें दोस्तों तो देखिए फाइनली कार्ड बन गया और उसके बाद चाची जो है इसे पॉलिथीन में रख देती है और फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दीदी तैयार हो गई हैं आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ जा रही हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ दीदी जो है बाज़ार जा रही हैं चाची की लड़की को लहंगा वहंगा लेना है तो साथ में यही जा रही हैं तो देखिए दीदी तैयार हो चुकी हैं और उसके बाद कुछ भूल जाते हैं तो अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए बाबू भी हमारा आ गया है तो अभी देखिएगा बाबू क्या करता है अब लोग को पता है भावू क्या करता है दीदी का बाल जो है घींच देता, देता है और पूरा बाल उनका बिगाड़ देता है जिसकी वजह से दीदी जो है दोबारा से बाल बांधने लगती हैं तो देखिए ही दोबारा बांधने लगते हैं और फिर दोनों लोग देखिए चले जाते हैं बाजार के लिए तो चाची एक लड़की भी चाची भी और दीदी साथ में जा रही है तीनों चारों लोग तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लोग जो है दो से तीन घंटे बाद आ जाते हैं मार्केट से तो यहाँ पे देखिए दुल्हन के लिए जो है हल्दी वाला लहंगा आया है और ये लहंगा आप लोग को कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वंदना अभी से नाप रही देख रही कि हमारे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं लेकिन इसकी शादी नहीं इसकी बहन की शादी है तो ये जो है पहले से ही नाप रही है और आप लोग को आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसके ऊपर कैसा लग रहा है ये लहंगा हल्दी वाला ये मुझसे बोल रही थी कि रुको अभी मैं पहन लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद जो है मेरा फ़ोटो खींचना तो देखिए ये जो है पहन चुकी कि और ये अभी सिलाया उलाया नहीं है तो ऐसे ही लपेट ली है और बता रही थी हम लोग से कि बताओ तुम लोग कैसा लग रहा है और हमारा फोटो खींचो तो देखिए हम लोग जो है इसका फोटो भी खींचने लग जाते और वीडियो भी बना रहे हैं तो देखिए दोस्तों ये आप लोग को कैसी लग रही है और उसके बाद ये जयमाल पे का लहंगा है तो लहंगा जो है बाजार में दे दिया गया है सिलने के लिए और ब्लाउज जो है घर पे आया है तो आप लोग देख सकते हैं ब्लाउज और ब्लाउज का डिजाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर दीदी घर पे आ जाती है तो यहाँ पे देखिए बाबू के लिए दाना रखा हुआ है और साथ में राधा भी आ जाती है तो बाबू जो है राधा को बिछारे बैठने नहीं देता है और जहाँ भी राधा देखती है बाबू को राधा भाग जाती है बाबू से दूर ही जाती है क्योंकि मेरा बाबू जो है उसे मारने के लिए चला जाता है भले ही मस्ती करता है साथ में खेलने के लिए लेकिन राधा जो बाबू से डरती है कि अभी मुझे मार देगा तो यहाँ पे देखे बाबू कैसे दाना राधा को खिला रहे है और राधा नहीं खा रहे है। फिर बाद में राधा भी अपने मतलब अपने हाथ से बाबू को खिलाती तो देखिए दोनों लोग कैसे मगन होकर दाना खा रहे हैं और मैं चली गई हूँ सबके लिए तीखा वाला दाना बनाने के लिए और यहाँ पे सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं दाना बनाने से पहले थोड़ा सा सलाई निकाल देती यहाँ पे बाबू के लिए क्योंकि अभी ज्यादा तीखा हो जाएगा तो ये रोने लगेगा और आँख ऑख में भी लग सकता है तो इसलिए मैं पहले से ही निकाल कर, कर कटोरी में दे देती दे और फिर ये दोनों जो है आपस में खाने लगते आप लोग भी देख सकते फिर बाबू जो है अपने चाचा को खिलाने लगता है और राधा भी बाबू का देख वो भी खिलाने लगती है और देखिए ये दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं दोनों जब भी एक साथ हो जाते हैं उसमें दाना खाते हैं कटोरे में का और बाबू का चाचा भी आ गया तो वह अभी थोड़ा बहुत खा लेता और फिर देखिए बाद में मैं भी दाना बना कर ला दी हूँ इसमें मिर्चा और ये प्याज व्याज ऐड की हूँ तो आप लोग भी देख सकते हैं एक थाली पूरा है क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही सब कुछ रहता है तो सही ही रहता है और ये दोपहर का लंच है आज जो है खाना थोड़ा कम था तो मैं सोची चलो आज कुछ अलग ही बना देती हूँ तो इसलिए लाई लेकर आई थी और थोड़ा नमकीन भी था और फिर जो ऐसे में ये प्याज मर्चा और नमक नमक ऐड कर दी हूँ जिससे सारे लोग इसे बहुत ही मन से खाते हैं सब कुछ मिक्स हो गया है और दोस्तों आप लोग को ये लाई कैसी लगती है ये सारे कुछ मतलब मिक्स किया हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे हमारे घर सारे लोग बहुत ही मन से खाते हैं तो जिस दिन भोजन वोजन नहीं रहता दोपहर में कभी का तो उस दिन यही मतलब दाना आ जाता है और सब कुछ ऐड करके मतलब खाया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगता है और साथ में मैं देखिए गुड़ का रस भी घोर दी हूँ तो यहाँ पे पापा को देने जा रही है और उसके बाद जो है दो प्लेट में निकाल ली हूँ दाना आप लोगों ने देखा होगा पहले तो वह मैं दोनों भाभी को दूंगी और फिर जो है रस भी ले, ले लेती हूँ साथ में क्योंकि रस और दाना दोनों को एक साथ दे दूंगी तो सही ही रहेगा वरना कौन दो से तीन चक्कर करेगा मैं सोची चलो इकट्ठा ले लेती हूँ तो यहाँ पे देखिए बगल की एक छोटी लड़की रहती है और मैं दोनों लोग चली जाती हूँ भाभी लोग को देने के लिए और फिर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए पापा खा रहे हैं और बाबू और राधा भी खा रहे हैं और साथ में ये बाबू का चाचा भी खा है यानी हमारा छोटा भाई और सारे लोग मस्ती भी कर रहे हैं खा भी रहे और आप लोग को ये लोग कैसे लग रहे हैं मस्ती करते हुए कमेंट करके जरूर बताएगा और उधर देखिए अमृता जो है अभी सोई हुई है उसे पता भी नहीं है कि दोपहर में क्या बन रहा है और क्या सारे लोग खा रहे हैं बाबू भी अमृता को उठाने नहीं जा रहा है अभी कोई बोल देगा कि जाओ अमृता बुआ को उठा दो तो तब वो जाता है और बेचारे को रुला देता है तो इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं बाबू को उठाने के लिए वरना बाबू जो है उसे रूल्हा देता है अपने बुआ को नोच नो वोच कर और उसके बाद दोस्तों देखिए हम भी आ गए हैं तो यहाँ पे दाना लिए हैं तो आइए आप लोग भी खा लीजिए उसके बाद मैं भी खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है इधर मैं जो है दिखा रही थी आप लोग को तब तक बाबू देखे कैसे अपने बाबा को खिला रहा है और ये कुछ भी खाता है तो सबको खिलाने पहले ही जाता है और यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों